गाइस आप सभी को हमारी तरफ से ईद मिलाद उन नबी मुबारक। आज हम बनाने जा रहे समई और पूरी। तो हम पहले पूरी की रेसिपी बनाएंगे। तो हमने इसके इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कांदा ले ली हूँ और दो लहसुन ले ली हूँ, दो लहसुन की कलियाँ, और तीन लाल मिर्च ले ली हूँ, और ज़ीरा ले ली हूँ 1 चम्मच, और ये 30 से 40 काली मिर्च ले ली हूँ। अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। देख सकते हैं कि हम ये दाल हमारी रेडी हो गई है। हमने इसका वीडियो नहीं बनाया था जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो मैं बता देती हूँ हमने इसमें क्या क्या लिया था। हमने एक कढ़ाई ली थी और उसमें तेल डाल के इसमें लाल मिर्च सूखी डाल दिए थे, मतलब हरी मिर्च से इसको भगाड़ दिए थे। उसके बाद हमने ये दाल ली थी, इसको 4 4 घंटे के लिए भिगा दिया था। उसके बाद हमने इसमें जो मसाले पीसे थे, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाई थी, वो मसाले पीस के हमने इसको इसमें डाल दिया था। उसके बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था गैस पे ढक के। फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ये दाल को पीसने। तो मैंने दाल को मिक्सर में डाल चुकी हूँ, अब इसको पीसेंगे। सकते हैं कि हमने जो दाल ली थी उसको हमने पीस लिया है, और इसमें हमने बारीक कटी कटी कोथमीर डाल के उसको सान लिया है। अब हम समई की रेसिपी देखते हैं। समई की रेसिपी बना रहे हैं। तो हमने 2 चम्मच घी ले लिया है, के बाद हम लौंग डालेंगे, उसके बाद हम छोटी इलायची डालेंगे, गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। इलायची देखो ऐसा तोड़ के डालेंगे बीच में से। हमने 2 लीटर दूध ले लिया है, तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। एक के बाद दूध ऐसे डालते जाएंगे। इसको घी में फ्राई कर लिया था, ड्राई फ्रूट है ये। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ ड्राई फ्रूट के। उसके बाद दूध हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें समई डालेंगे। तीन टेबलस्पून शक्कर डालेंगे, अब इसको उबालेंगे हम लोग। मिनट तक फिर से पकाएंगे, क्योंकि अभी हमने समई डाली तो समई कच्ची है, तो 2-3 मिनट बाद इसको पकाएंगे, मतलब इसके बाद हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट में काजू है, बादाम है, चिरौंजी है। बादाम को हमने रात भर भिगो के रख दिया था, और फिर हमने दोनों काजू और बादाम को बारीक बारीक कट करके उसको घी में फ्राई करके और चिरौंजी को फ्राई करके इसमें डाल दिए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। पूरी बना रहे हैं, तो देखो पूरी को हम ऐसे भरेंगे, मतलब भरेंगे।
देख सकते हैं हमारा मतलब बुरी कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसको तलेंगे, लिया है। अब हम इस तवे को हम इस तवे में पूरी डालेंगे अपनी। पहले हम इसको सेक लेंगे, फिर बाद में इसको तेल लगाएंगे। फुला ली हूँ, अब हम इसको तेल लगाएंगे इस पर। इसी तरह तेल लगाते रहेंगे हम, तेल लगाएंगे। इसके बाजू बाजू में भी तेल लगा दें। सिर्फ उगाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी खीर और पूरी कितनी टेस्टी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर का ऐसा रहेगा। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आप वीडियो देख के सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हम आपको अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय गाइस।